हेलो दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक दें। किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस केकेआर का लाइव मैच आंखों देखा हाल। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को 165 रनों का टारगेट दिया। गिल और कार्तिक का बल्ला चला। शमी की आईपीएल में 50 विकेट पूरे। आईपीएल के 13वें सीजन का 24वां मैच किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अबू धाबी में खेला जा रहा है। कोलकाता ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पंजाब को 165 रनों का टारगेट दिया। दिनेश कार्तिक ने 58 और शुभमन गिल ने 57 रन बनाए। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 81 रनों की पार्टनरशिप हुई। पंजाब के मोहम्मद शमी, रवि विश्नोई, अर्शदीप सिंह ने एक एक विकेट लिया। शमी ने आईपीएल में 50 विकेट पूरे कर लिए। कोलकाता की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पिछले मैच के हीरो राहुल त्रिपाठी इस मैच में सिर्फ 4 रन बना सके। उन्हें मोहम्मद शमी ने आउट किया। इसके बाद नीतीश राणा 2 रन बनाकर आउट हुए। केकेआर ने शुरुआती 6 ओवर में 2 विकेट पर 25 रन बनाए। पावर प्ले में ये सीजन का दूसरा सबसे कम स्कोर है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब के खिलाफ दुबई में 3 विकेट पर 23 रन बनाए थे। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अबू धाबी में 3 विकेट पर 31 रन बनाए। शमी के आईपीएल में 50 विकेट पूरे हुए हैं। शमी ने 58 मैचों की 56 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। इस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शमी टॉप 5 में आ गए हैं। मॉर्गन ने आईपीएल में 1000 रन पूरे कर लिए और मॉर्गन ने 58 मैच में 51 पारियों में 1021 रन बनाए। मॉर्गन ने लीग में 23 से ज्यादा की औसत से रन बनाई है। उनका बेस्ट स्कोर 66 रन था। दोनों टीमों ने एक एक बदलाव किया। शिवा मावी की जगह कृष्णा को प्लेइंग 11 में लिया गया। पंजाब ने शेल्डन कॉटरेल की जगह क्रिस जॉर्डन को लिया।